बागेश्वर जिले से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, जहां सांप के काटने से एक किशोरी की मौत हो गई। वहीं मासूम की मौत की खबर से जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा मामला तहसील क्षेत्र के फल्टनिया गांव का बताया जा रहा है, जहां खेत में घास काटते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बागेश्वर जिले के तहसील क्षेत्र के फल्टनिया गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देर रात सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फल्टनिया के पापड़ गैर की बबली आर्य घर के पास खेत में घास काट रही थी। इस दौरान किशोरी को सांप ने रस लिया। वहीं हालत बिगड़ने पर परिवार वालों ने उसका घरेलू इलाज किया, लेकिन किशोरी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। इस बीच उसकी हालत ज्यादा गंभीर होने पर देर रात करीब 1 बजे परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां किशोरी ने अपना दम तोड़ दिया। इस दौरान डॉक्टरों ने किशोरी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं किशोरी की मौत से परिजन सदमे में हैं और इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं CMO डॉक्टर BD जोशी ने बताया कि सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के काटने के इंजेक्शन एंटीबेनम मौजूद हैं। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।